Subscribe and press the bell icon to get the notification for our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द होम किचन। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मैंने कोई रेसिपी पोस्ट नहीं की। आई होप आप लोग मेरे वीडियो का ज़रूर वेट कर रहे होंगे। बट आई गॉट स्टक इन सम फैमिली सिचुएशन, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था टू वर्क ऑन माय एडिटिंग। नाउ फाइनली आई समहाउ मैनेज टू पोस्ट अ वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। बनाना शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए वड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। एक कप मिंट और धनिया मिक्स करके ले लेंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लेंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और 3-4 हरी मिर्च काट करके ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक हमाम दस्ता लिया है। खरल, खलबट्टा, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इसमें हम लहसुन डाल देंगे। ऑल्सो ऐड ग्रीन चिली। दोनों को साथ में कूट लेंगे। आप धनिया, पुदीना, अदरक सब साथ में डाल करके भी पीस सकते हैं। मेरे पास बहुत छोटा सा हमाम दस्ता था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत पिस गया है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया पुदीना डाल रही हूँ। अदरक भी डाल देंगे। अगर आप हाथ से नहीं पीसना चाहते तो आप चटनी जार में भी चटनी बना सकते हैं। बिकॉज हम यहाँ पर ड्राई चटनी पीस रहे हैं, इसलिए मैं हमाम दस्ते में पीस रही हूँ। और हाँ, इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। ग्रीन तीखी लहसुन वाली चटनी बन गई है। इसे हम एक बोल में खाली कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चटनी रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आलू मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू बॉईल करके ले लिए हैं। 2-3 हरी मिर्च काट करके ले लेंगे और एक छोटा अदरक का टुकड़ा कस करके ले लेंगे। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश धनिया। एक पैन ले लेंगे और गैस ऑन कर लेते हैं। पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें 1/4 टेबलस्पून राई डाल देंगे। लेट द सीड्स क्रैकल। नाउ वी विल ऐड ग्रीन चिली एंड जिंजर। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद दोनों आलू को मैश करके पैन में डालेंगे। हल्का सा सॉटे कर लेंगे। नाउ वी विल ऐड सॉल्ट एज पर द टेस्ट। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। साथ ही में फ्रेश धनिया भी डाल देंगे। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। आलू मसाला बन गया है, मसाले को ठंडा कर लेंगे। तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें।
अब हम पानी डाल करके बेसन का गाढ़ा गोल बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। आलू का मसाला ठंडा हो गया है। मसाले के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक बॉल बना करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अगर आलू बॉल्स बहुत बड़े हुए तो वड़ा पाव के अंदर नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे मसाला बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके ले लेंगे। मैंने जो ऑयल लिया है वो ऑलरेडी यूज था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब हम एक आलू मसाला बॉल लेंगे और उसे बेसन के घोल में डिप कर लेंगे और वड़े को फ्राई होने के लिए गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे वड़े डाल देंगे। हमें आलू वड़े बहुत तेज गरम तेल में नहीं डालना है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कवर पकेगा नहीं। मीडियम फ्लेम पर वड़ा फ्राई होने दें। बीच बीच में हिलाते रहें। आलू वड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। इट्स टाइम टू सर्व। वड़ाज आर रेडी, चटनी इज हियर, साथ ही में मैंने पाव भी ले लिए हैं। वड़ा पाव के लिए पाव तो मस्ट है ना। पाव को हम सेंटर से कट कर लेंगे। वड़ा पाव को असेंबल करने के लिए पाव के बीच में हम चटनी लगाएंगे। फ्रेंड्स, चटनी बहुत स्पाइसी है तो अप्लाई इन अ स्मॉल क्वांटिटी। नाउ प्लेस द वड़ा इनसाइड द पाव। फ्राई की हुई ग्रीन चिली के साथ सर्व करें। एंजॉय द स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव एट होम, कम्प्लीटली हाइजीनिक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, या फिर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फॉलो मी टू सी मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़।